नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल दुनिया भर में तमाम देशों को कोविड 19 ने अपने चपेट में ले लिया है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें G20 लीडर्स वर्चुअल समिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि ये जो वर्चुअल समिट है वो क्यों हुआ है, लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। G20 के बारे में हम पहले जानेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस वर्चुअल समिट में हुआ क्या है और वर्चुअल समिट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हेडिंग है टॉपिक की, जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है G20 लीडर्स वर्चुअल समिट। ठीक है, G20 क्या है इसके बारे में भी मैं पहले हम डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। लीडर्स G20 एक समूह है विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उनका एक दल है। ऐसे 20 कंट्रीज का एक दल है जिसको हम लोग G20 के अंतर्गत रखते हैं। इस पार्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि G20 है क्या। तो G20 क्या है, G20 इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1999 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1999 में। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि G20 का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ है, और 1999 में यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ये। ठीक है, आप यहां से हर एक पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं और बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर वर्चुअल समिट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल का मतलब ही हो गया कि आभासी है, यानी प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली, जैसे मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूं, आपके सामने बैठ करके नहीं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस इसी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं आप इसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में मीटिंग हुई है G20 की। तो इसी वजह से इसको वर्चुअल कहा जा रहा है, वर्चुअल समिट कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये वर्चुअल समिट कब हुई है, ये वर्चुअल समिट हुई है 26 मार्च 2020 को, यानी कि आज से दो दिन पहले ये 26 मार्च 2020 को ये वर्चुअल मीटिंग करी गई है। क्यों करी गई है उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले समझे G20 है क्या। देखिए, G20 की जो वर्चुअल समिट हुई है इसके चेयरपर्सन जो थे, यानी ये चेयर्ड बाय लिखा हुआ है, इसके जो अध्यक्ष थे वे सऊदी अरब के जो शाह हैं, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा G20 समिट की मीटिंग्स के बारे में अगर बात किया जाए, G20 हर वर्ष अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता है हर साल, कि संपूर्ण जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से, ये मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये 20 कंट्रीज वो हैं, ये 20 वो लोग हैं जो विश्व की रिचेस्ट इकोनॉमी हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हैं। तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने में इनका बड़ा योगदान होता है। तो इसी चीज के लिए हर साल उन्हें मीटिंग करनी होती है। ऐसी पिछली मीटिंग 14th जो मीटिंग हुई थी G20 की, वो 2019 में जापान के ओसाका में हुई थी, ये आपको याद रखना है, जापान के ओसाका में ये मीटिंग हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली मीटिंग जो होनी थी, 15th जो मीटिंग होनी थी वो इसी वर्ष 2020 में नवंबर में होनी थी सऊदी अरेबिया के रियाद में, लेकिन देखते हैं ये समिट हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो आप देख रहे हैं इस समय बड़ी कठिन सिचुएशन है, तमाम सारी कंट्रीज जो हैं वो लॉकडाउन की कंडीशन से गुजर रहे हैं, तमाम सारे देशों में बंदी है एक तरीके से, तो आर्थिक व्यवस्था भी डामाडोल है, तो ऐसी स्थिति में शायद ये समिट आगे टल सकती है। इसके अलावा अगर ये होती है तो नवंबर 20 में या आगे कभी भी हो सकती है। 16वीं मीटिंग की जो डेट है वो कह सकते हैं ईयर जो है वो 2021 है, ये इटली में होगा। और 17th मीटिंग जो है ये इम्पोर्टेंट थी, 17वीं मीटिंग जो 2022 में होनी थी वो मीटिंग भारत के न्यू दिल्ली में होनी थी, नई दिल्ली में होनी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं, फिलहाल आपको यही याद रखना है। G20 की बात कर रहे हैं तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि G20 में कौन कौन से 20 कंट्रीज हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं नाम फटाफट से पढ़ दे रहा हूँ, दीज आर इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड तुर्की। और तुर्की के बाद दो और कंट्रीज यहां पर हैं, द यूके एंड द यूएस। ठीक, ये 19 कंट्रीज हो गई, यानी कि G20 में 19 कंट्री और एक यूनियन का पूरा मिला करके G20 बनता है। तो वो यूनियन कौन सा है, यूरोपियन यूनियन। तो आपसे कभी क्वेश्चन कर लिया जाए कि बताइए G20 में कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और एक यूनियन है। ठीक है, वो कई सारे देशों का यूनियन, यूरोपीय कंट्रीज का यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से G20 कंट्री रहती है।
अब बात कर लेते हैं वर्चुअल समिट की। तो ये जो वर्चुअल समिट है इसके कई सारे उद्देश्य हैं, कई सारे एम हैं, लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग में, इस वर्चुअल जो कह सकते हैं कि जो समिट हुई है, जो सम्मेलन हुआ है, इसमें ना सिर्फ ये G20 के सदस्य पार्टिसिपेट किए हैं, बल्कि इस बार इसमें क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाए, वैश्विक रूप से अगर देखा जाए, तो एक महामारी जो है बहुत बुरी तरीके से फैली है, जिसको COVID-19 के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें न सिर्फ ये G20 जो कंट्रीज हैं, ये शामिल हुई थी इस वर्चुअल मीटिंग में, बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हुए थे। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक, IMF, FAO, ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और उसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ G20 लीडर्स वर्चुअल समिट। इसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि G20 लीडर्स प्लेज इनटू इंजेक्ट $5 trillion इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इंपैक्ट टू द कोरोना पेंडेमिक। तो जैसा कि कोरोना जो महामारी फैली हुई है, इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए यहाँ पर G20 समूह के देशों ने प्लेज किया हुआ है, एक तरीके से शपथ लिया हुआ है कि लगभग $5 trillion जो है वो खर्चने पड़ेंगे। अब देखिए, ये जो $5 trillion है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कौन सी कंट्री कितना खर्चा करेगी, ऐसा नहीं मतलब डिराइव किया गया या डिवाइड नहीं किया गया है। बल्कि जैसे आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो इंडिया ने अभी आप देख रहे हैं कि RBI की तरफ से बहुत सारी छूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे रिलीफ फंड्स जो हैं वो जारी किए गए। तो ये सारे इसी तरीके से सारी कंट्रीज भी कर रही हैं, तो वो सारा जो खर्चा है वो सब $5 trillion इकोनॉमी के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए नहीं है कि अलग से कोई फंड बनाया गया, तो इसके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, अगला एम क्या है इसमें, यहां पर एम क्या है? To advance a coordinate global response to coronavirus pandemic along with the medical aids. देखिए, जो सारे के सारे कंट्रीज, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इस तरीके की पेंडेमिक से जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इफेक्टेड हैं, इम्पैक्टेड हैं, तो सभी कंट्रीज यहाँ पर आपसी, जहां तक संभव है, वो भेदभाव भुला करके वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए सामूहिक रूप से, वैश्विक रूप से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास को और बढ़ाना होगा, यहाँ पर बताया गया कि और बढ़ाना होगा, इस कोऑर्डिनेशन को और बढ़ाना होगा, ये उनका एम है। और साथ ही साथ मेडिकल एड्स जो हैं, जो सामूहिक वैश्विक जो कह सकते हैं कि मेडिकल एड्स यानी कि चिकित्सकीय जो सहायताएं हैं, उनको और बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज आपस में यहाँ पर बात करी गई है, इस चीज का एम किया गया है। ना सिर्फ इतना, बल्कि यहां पर यह भी एम किया गया है, लिखा हुआ है टू कॉम्बेट द फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी इज नीडेड ऑफ द आवर। ये कहते हैं जो समिट हुई है उसमें ग्लोबली ये कह सकते हैं कि ये एक कंक्लूजन निकल करके आया है कि समय की ये मांग है कि हम लोगों को इस डिजीज से निपटने के लिए इंटरनेशनली जो है कोई ना कोई स्ट्रेटजी बहुत जल्द तैयार करनी होगी, और ये सारी कंट्रीज के ऊपर लगे भी हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। थर्ड वन इज टू प्रिवेंट कंट्रीज फ्रॉम इम्पोजिंग बैरियर्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। इस समय सारी की सारी कंट्रीज, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, पता नहीं कौन किस कंट्री के द्वारा जो है इस बीमारी का इलाज खोजा जा सके या किस इक्विपमेंट्स की सहायता से इन्हें किस तरीके से यहाँ के लोगों को बचाया जा सके। तो यहाँ पर एक प्रयास है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें, उनके एक्सपोर्ट में किसी तरीके का कोई बैरियर ना हो, सारे लोग खुले दिल से इन सब चीजों की सहायता करें, ठीक है, सारे लोग खुले दिल से इन सब चीजों की सहायता करें। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंट कॉम्पिटिटिव एफर्ट्स टू फाइंड अ पोटेंशियली ह्यूजली प्रॉफिटेबल वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर मोदी जी के द्वारा एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ऐसे समय में कि कहीं, जैसे हम चाइना की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वो दिमागदार कंट्री ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा दिमाग कभी कभी वो लगा लेते हैं, तो मैं इसके हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं कि चाइना में सबसे पहले ये फैला, उसके बाद अब चाइना में कहीं ना कहीं लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना भी शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं वहां पर अब जो रेशियो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो यदि अगर वो मेडिसिन या कोई मेडिकल इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, तो इसका फायदा उठा करके चाइना वर्ल्ड वाइड उसे बेचने का प्रयास करेगा, और इकोनॉमिकली कह सकते हैं, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो है वो इसका जो है वो काफी फायदा उठा सकता है। तो यहां पर ये प्रिवेंट किया गया, बोला गया, रोका गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये वैश्विक रूप से बहुत ही आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति को डिग्रेड कर चुका है ये बीमारी, इस वजह से
इस तरीके की कमाई नहीं करनी चाहिए, भाईचारे की भावना जो है वो बना करके रखनी चाहिए, ऐसा इस वर्चुअल मीटिंग में बेनिफिट्स के लिए कहा गया है। अगली और इम्पोर्टेंट बात है, आश्चर्यजनक बात है कि यहां पर G20 समिति कोई G20 के नाम से तो नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं हो रही थी कि इसमें G20 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ऐसा होता तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पार्टिसिपेट करते, तो ऐसे में ईरान को शामिल करना चाहिए था। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यूरोपियन कंट्री में अगर एशियन कंट्री में चाइना के बाद सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इस बीमारी की, इस महामारी के जो कह सकते हैं कि जो फैलाव हुआ है वो सबसे ज्यादा ईरान को इम्पैक्ट किया है, और ईरान ने अपील करी है इस समिति से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि ईरान हैज अपील्ड एंड अपलिफ्ट द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑन इट। यूनाइटेड स्टेट ने जो इसके ऊपर जो रोक या कई सारे जो यूनाइटेड स्टेट ने बहुत सारे रोक लगा रखे हैं इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोक लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान चाहता है कि अब वो रोक जो है अभी कुछ दिन के लिए हमारे ऊपर हटाए जाए या उन्हें छूट दी जाए या उन्हें रिमूव कर दिया जाए, ऐसा भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF वांट टू G20 टू एग्री एन इमीडिएट बायलेटरल डेट रिलीफ टू ऑफ एनी ऑफ द वर्ल्ड 76 पुअर कंट्रीज। यहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक क्या चाहते हैं G20 कंट्रीज से कि दुनिया के जो करीब 76 देश जो गरीब हैं वो जो G20 कंट्रीज के जो लोग हैं उन्हें उन कंट्रीज की सहायता करनी चाहिए, उनको इकोनॉमिकली जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट PM मोदी ने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये कहा है उन्होंने कि जो 90% कोविड डिजीज से जो कह सकते हैं कि सफरर्स जो हैं उसमें से 90% जो सफरर्स हैं वो G20 कंट्रीज के ही हैं, एंड 88% ऑफ डेथ इनमें में से उन सफरर्स में से जिनकी जो डेथ हुई है वो डेथ वाले जो पार्ट है उसमें से 88% लोगों की मृत्यु जिन लोगों की हुई है वो भी G20 कंट्री से नेशन से बिलोंग करते हैं, यानी G20 से 90% लोग जो है वो कोविड डिजीज से ग्रसित हैं और उनमें से 88% की डेथ हो चुकी है, जबकि ये जो G20 है ये पूरी वर्ल्ड की GDP में 80% का पार्टिसिपेशन करती है और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% है। सो आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी और कितनी जरूरी थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया किस तरीके से जो है यहां पर ये जरूरी था। पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 मीटिंग में G20 कंट्रीज शामिल हुई हैं बल्कि जो दुनिया के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी शामिल हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड ना हो, इसमें कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, सोशली स्प्रेड ना हो, इस वजह से सभी लोगों ने वर्चुअली जो है यहां पर डिस्कस किया है, कॉन्फ्रेंस करते हुए मीटिंग करी है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो यहां पर मीटिंग हुई है इससे काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और जल्द ही विश्व को इससे रिलीफ मिलेगा, सहायता मिलेगी और सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की नई परंपरा शुरू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये इंपॉर्टेंट जानकारी वाले सेशंस भी हैं, आप इनको बहुत स्प्रेड करिए, मैक्सिमम स्प्रेड करिए, इनको जो है आप वायरल करने का कोशिश करिए। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।